हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, ट्रिप एडवाइजर का नाम तो आपने बिल्कुल सुना होगा। ट्रिप एडवाइजर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट मिलता है। जहां पर आप किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ट्रैवल पैकेज लेना चाहते हैं, किसी होटल के बारे में जानना चाहते हैं या किसी डेस्टिनेशन की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, वो सब आपको ट्रिप एडवाइज़र पर जाकर मिल जाती है। लेकिन ट्रिप एडवाइज़र का नाम आजकल ख़राब किया जा रहा है कुछ स्कैमर्स के द्वारा। दरअसल कुछ स्कैमर्स आजकल ट्रिप एडवाइज़र का नाम लेकर यूज़र्स को अप्रोच कर रहे हैं और वहां पर अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और होटल्स को रेटिंग देने के नाम पर एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। ये स्कैम छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर के और 10,00,000 रुपये तक का चूना यूज़र्स को लगाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि होटल को गूगल रिव्यू पर रेटिंग देने के नाम पर एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड चल रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर के आप वो लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने टेलीग्राम पर ही चल रहे बहुत सारे प्रीपेड टास्क स्कैम्स के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों के बारे में बात की है और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि जो ये स्कैमर्स हैं, इन्होंने अब क्या किया है कि अलग अलग नए प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड नेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस ठगी को अंजाम देने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लाइव एग्जांपल्स कि किस तरह से ट्रिप एडवाइजर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है स्कैम करने के लिए। दरअसल होता कुछ यूं है कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप या किसी टेक्स्ट SMS के द्वारा एक मैसेज आता है कि क्या आप एक दिन में 800 से लेके 1,500 रुपये तक कमाना चाहते हैं। आपके हामी भरते ही आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में लेके जाया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये फला रिसेप्शनिस्ट हैं जो कि आपसे बात करेंगी। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे ही अप्रोच किया जाए और वहाँ पर ही आपसे कुछ छोटे मोटे इजी से लगने वाले टास्क, मसलन कोई यूट्यूब का वीडियो लाइक कर दीजिए या कोई इंस्टाग्राम का वीडियो लाइक कर दीजिए, सिखाने के नाम पर ऐसे टास्क आपसे व्हाट्सएप पर ही खिलाए जा सकते हैं और हो सकता है कि उसके बाद आपको टेलीग्राम के ग्रुप में ले जाया जाए। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि सबसे पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में ले जाएंगे। पहले हो सकता है व्हाट्सएप पे आपसे बात की जाए, वहाँ पर आपसे छोटे छोटे टास्क खिलाए जाएँ और उसके एवज में आपको 150 रुपये दे दिए जाए। वो ये कहेंगे कि ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसके द्वारा हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आप एलिजिबल भी हैं इस तरह का टास्क करने के लिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट उठा के दे दिया कि मैंने ये टास्क कर दिए, आपको 150 रुपये दे दिए जाते हैं और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर एक आईडी दी जाती है और कहा जाता है कि ये एक रिसेप्शनिस्ट है हमारी कंपनी की और वो गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से इस वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज को बनाना है और प्रतिदिन आप जिसमें 800 से लेकर के 1,500 रुपये तक कमा सकते हैं। अब टेलीग्राम पर जिस महिला से आप बात कर रहे होते हैं जो कि सो कॉल्ड रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको बताती है कि वो अलग अलग होटल्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के लिए, उनकी रेटिंग्स इंक्रीज करने के लिए, उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ट्रिप एडवाइजर की जो अलग अलग लिस्टिंग्स हैं उस पर आपसे रेटिंग्स चाहती है। तो उन्हें आप जैसे एजेंट्स की ज़रूरत है जो कि ट्रिप एडवाइजर के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके वहाँ पर इस तरह के टास्क को अंजाम दे सकें जिसमें कि आपको प्रतिदिन 30 टास्क दिए जाएंगे। यानी कि 30 ऐसे टास्क होंगे जिसमें कि आपको अलग अलग होटल्स को या अलग अलग डेस्टिनेशंस को रेटिंग देनी है, वो भी 5-स्टार रेटिंग देनी है। इसके बाद आपको एक लिंक पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है कि आप इस पर रजिस्टर कर लीजिए। जब आप उस लिंक को देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये URL जो है इसको खोलने पर आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें इन्होंने ट्रिप एडवाइजर का लोगो यूज़ किया है। जब आप इनसे सवाल पूछते हैं तो ये ट्रिप एडवाइजर की एक्चुअल वेबसाइट आपको भेज के कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी जो मेन वेबसाइट है वो ट्रिप एडवाइजर ही है, लेकिन ये जो रेटिंग और रिव्यूज का काम है इसके लिए हम दूसरे URL का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका लॉगिन है, एजेंट का लॉगिन है, वो अलग तरीके से होगा और जो नॉर्मल वेबसाइट है जो कि tripadvisor.in है वो अलग है। इसी धोखे में आकर आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं और देखिए चालाकी, रजिस्ट्रेशन भी ऐसे नहीं होता है, उसमें एक इनविटेशन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। वो इनविटेशन कोड वो रिसेप्शनिस्ट ही आपको देती है। जब आप उस इनविटेशन कोड को डालेंगे उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट बैकएंड से जाकर के आपके अकाउंट को एक्टिवेट करेगी। यानी कि अगर मैं या कोई भी साधारण आदमी इस URL में जाकर लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन या रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि जो बैकएंड में स्कैमर्स बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से जो स्क्रिप्ट होती है वो उनके कंट्रोल में होती है और वो लोग जिसको चाहते हैं उसको ही एक्टिवेट करते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको डीएक्टिवेट करते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि आपसे वो लाइव चैट कर रहे हैं तो आपके द्वारा दिए गए स्क्रीनशॉट, आपके द्वारा दिए गए यूजर नेम को वो बैकएंड में जाकर
अप्रूव कर देते हैं ताकि आपको एक्सेस मिल सके उस प्लेटफॉर्म का, उस स्क्रिप्ट का। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ये जो रेटिंग वाला जो पूरा स्कैम है, सेम चीज पहले मैन्युअली चल रही थी। मैन्युअली कैसे चल रही थी कि आपको गूगल रिव्यूज पे जाना है, अलग अलग होटल्स की जो वेब पेज है उसको ओपन करना है और वहां पर आपको रेटिंग देनी है। तो ये मैनुअल प्रोसेस था, लेकिन अब जो है इन्होंने एक ऑटोमेट प्रोसेस कर लिया ताकि आपको थोड़ा जेन्युइन और ऑथेंटिक फील हो। तो इन्होंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बनवा ली है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको दिखाई देता है कि आपको एक किसी होटल का नाम दिया गया है और नीचे आपको क्लिक करके, सिर्फ आपको क्लिक करना है, 5 स्टार पर क्लिक करके आपको सिर्फ सबमिट करना है, वैसे ही वो 5 स्टार रेटिंग हो जाएगी। आपको इस तरह के 30 टास्क एक दिन में करने हैं और हर टास्क करने का एक निश्चित कमीशन दिया जाएगा। पूरा दिन खत्म होने के बाद यानी कि 30 टास्क करने के बाद आपको 850 रुपये का कमीशन मिल चुका होता है। अब मैं यहाँ पर 850 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 850 ही होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा मिले, हो सकता है इससे कम मिले। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किन स्कैमर्स के चंगुल में फंसे हैं, क्योंकि कोई एक ही ग्रुप नहीं है, कोई एक ही स्कैमर का ग्रुप नहीं है जो कि ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग स्कैमर्स हैं जो कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब जैसे ही आप शुरुआती टास्क करते हैं, आपसे रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप चाहें तो इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म के साथ में बाइंड करना पड़ेगा। जब आप इसको बाइंड करेंगे उसके बाद आप इस पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे और मिनिमम आपके खाते में 500 रुपये होने चाहिए, तभी आप कोई विड्रॉल कर सकते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था, आपने विड्रॉल कर लिया, आपके अकाउंट में 500 रुपये या जितने भी रुपए के वहां पर आपको डिस्प्ले कर रहे हो वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इसके बाद आपको वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने, यानी कि 5 गुना तक अगर आपको इनकम करनी है, तो आपको कुछ प्रीपेड टास्क, कुछ प्रीमियम टास्क खेलने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। और उन टास्क के एवज में आपको, जैसे अभी क्या हो रहा है, एक रेटिंग पे आपको हो सकता है 50 रुपये मिल रहे हो या 100 रुपये मिल रहे हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम टास्क करेंगे तो आपको इसी रेटिंग के 500 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खेलना है प्रीमियम टास्क, और वो प्रीमियम टास्क कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर आएगा। पहले दिन नहीं आएगा जब तक कि आपकी पहली पेमेंट आपके खाते में नहीं पहुंचा दी गई। अगले दिन जब आप ये टास्क खेलना शुरू करेंगे तो बीच में आपको फोर्सफुली कहा जाएगा कि आपको एक प्रीमियम टास्क खेलना है। इसके लिए बहुत ही चतुराई से पहले ये 10,000 रुपये का बोनस आपके प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले आपके अकाउंट में दिखते हैं 10,000 रुपये। आपसे कहा जाता है कि इस 10,000 रुपये के एवज में ही आप कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी कि रेटिंग वाला ही टास्क परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें कि आपको कमीशन मिलने वाला है। अब वो 10,000 रुपये का आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, 10,000 रुपये से कमाए हुए पैसों का आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है, आपने फिर से वही रेटिंग वाले टास्क किए, रेटिंग वाले टास्क करने पर आपको अब जो कमीशन मिल रहा है वो 50 रुपये पर रिव्यू नहीं मिल रहा है, अब आपको 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये, कुछ भी जो भी उन्होंने निर्धारित किया होगा वो मिल रहा है। अब आपको अकाउंट में दिख रहा है कि यार 10,000 रुपये जो ये सबमिटेड है इसके अगेंस्ट मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, जो कि कल 800 रुपये थे, आज वही कमीशन बढ़ के हो गया 5,000 रुपये। आप हो गए खुश, आपको लगा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही ये 30 टास्क खत्म होते हैं वो 10,000 रुपये डिसअपियर हो जाते हैं, जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने भी आपको बताया होता है। लेकिन जो आपका ये 5,000 रुपये कमीशन जो आज के पूरे दिन के खेल के बाद बन रहा है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा वो रिसेप्शनिस्ट कहती है। लेकिन यहीं पर पेच है, अगर आपको ये 5,000 रुपये लेने हैं तो आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको 800 रुपये पहले मिल चुके हैं और 5,000 रुपये आपको यहाँ लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। लटके हुए दिखाई दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिख रहा है कि यार ये 5,000 रुपये तो मेरी इनकम है जो मुझे मिलनी चाहिए। अब इसको लेने के लिए आपसे कहा जाता है कि भाई 10,000 और पे कर दो, ये टास्क तो चलने ही वाला है, इसके बाद कल आप और कमा सकते हो। आप क्या करते हो, 10,000 रुपये जाके वहाँ डिपॉजिट कराते हो। ये आपकी गलती नंबर एक, यहाँ से आप उनके चंगुल में फंस चुके हो। जैसे ही आपने 10,000 रुपये दिए हो सकता है कुछ पैसे विड्रॉल हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा ही ऐसा, कई सारे केसेस में नहीं भी हुआ है और कई सारे केसेस में हुआ भी है। तो चलिए पहला केस लेते हैं, मान लीजिए कि 10,000 रुपये डिपॉजिट करने के बाद वो जो 5,000 रुपये का कमीशन दिख रहा था वो आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको और सारे प्रीपेड टास्क खेलने के लिए कहे जाते हैं, और जो पहली बार में आपको प्रीपेड टास्क दिया था वो 10,000 का था, लेकिन जो अगला टास्क है वो 10,000 रुपये का नहीं है, अगला टास्क है 35,000 रुपये का, यानी कि अब जो आपको डिपॉजिट करना है वो 35,000 डिपॉजिट करना है। बीच में आपका वो रिव्यू का गेम चल रहा है, आपका कमीशन वहाँ ऐड हो रहा है, आपको बड़े बड़े
कमीशन्स वहाँ दिखाई दे रहे हैं कि मैंने 50,000 कर लिया, 1,00,000 कर लिया, और आपका जो लगाया हुआ अमाउंट था वो भी वहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपके खाते में कुछ विड्रॉल नहीं हो रहा है। जब आप उनसे पूछेंगे कि भैया विड्रॉल नहीं हो रहा है, मैंने तो 30,000 रुपये लगा दिए हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि भैया आपको अभी 40,000 रुपये और लगाने पड़ेंगे, तब आप ये पुराना अपना बेस अमाउंट और साथ में एक कमीशन निकाल पाएंगे। अब आप में से कई सारे लोग यहाँ पर इस चंगुल में फंसने के बाद इस उम्मीद में कि शायद जब मैं अगला डिपॉजिट करूँगा तो मेरे सारे पैसे वापस आ जाएंगे, जैसा कि वो रिसेप्शनिस्ट आपको टेलीग्राम पे कहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पैसे पे पैसे लगाए जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ रिलीज करते जाते हैं या नहीं भी करते हैं। कई केस में तो ऐसा भी हुआ है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने आपसे कहा कि आपने जो टास्क करने में, प्रीपेड टास्क करने में काफ़ी समय लगा दिया, इसलिए अब प्लेटफॉर्म ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है, आपको फाइन देना पड़ेगा, आपको यहाँ 50,000 रुपये और भरने पड़ेंगे। तमाम तरह के अलग अलग इश्यूज़ बता करके, तमाम तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स बता करके ये लोग आपको गुमराह करते हैं, और ये टास्क दिन ब दिन चलता जाता है। आप हर दिन ये सोचते हैं कि शायद आज मेरे पैसे निकल आएंगे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर आपको पैसे लटके हुए दिखाई देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पैसे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, एक्चुअल में कोई पैसे है ही नहीं, वो सब कुछ बैकएंड से मैनेज किया जाता है। स्कैमर्स के पास पूरा एक्सेस कंट्रोल होता है, वो जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट वहाँ पर आपको दिखा सकता है, यानी कि जो आपको रिसेप्शनिस्ट दिया गया है उसका काम ही यही है, क्योंकि वो वन ऑन वन आपसे इंटरेक्शन कर रहा होता है और आपको डायरेक्शंस दे रहा होता है कि चलो अब ये करो, फिर आप उसको बताते हो, स्क्रीनशॉट भेजते हो, मैंने ये कर दिया। जैसे आपने भेजा कि 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट दिया आपने, वैसे ही वो 10,000 रुपये यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाते हैं, क्योंकि बैकएंड का कंट्रोल पूरी तरह से उस रिसेप्शनिस्ट के पास है जो कि आपको लगातार गाइड कर रहा या कर रही है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप इनका फ्री वाला टास्क खेल रहे हो अभी रुक जाएं, अगर आपसे प्रीपेड टास्क के लिए कहा गया है और आपने पहली कोई डिपॉजिट कर दी है और आप इस उम्मीद में और दूसरे डिपॉजिट्स करने जा रहे हैं कि मेरे पुराने पैसे रिकवर हो जाएंगे, अभी रुक जाएं। और अगर आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है तो आप अभी के अभी साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करें। मेरे पुराने जितने वीडियोज़ हैं जो कि मैंने टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम के नाम पर बनाए हैं, उनके आप कमेंट सेक्शन को जाकर के पढ़िए। मैंने कई सारे विक्टिम से बात की है, रोना आ जाता है भाई साहब, 16-16 लाख रुपए, 24-24 लाख रुपए लोगों ने लगा दिए इस धोखे में आकर, इस झांसे में आकर। उसके बाद भी ये नेशनल न्यूज़ नहीं बन पा रही है, उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं फैल रही है। अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप इस स्कैम से बच सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। और कुछ लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि यार चलो हम शुरुआती कुछ पैसे कमा लेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आपको पहली बार इन्वेस्ट करने पे कोई पैसा वापस मिल ही जाएगा। कोई स्कैमर इतना ईमानदार नहीं बैठा हुआ है कि आपके 2,000 रुपये भी आपको वो वापस कर दे। कुछ लोगों के 2,000 भी ठग लिए उन्होंने, और कुछ लोगों को वो 10 लाख रुपये तक भी ले गए और बीच बीच में थोड़ी राशि उनके अकाउंट में डालते गए। जो भी राशि वो उनके अकाउंट्स में डाल रहे थे वो उनके ही अमाउंट्स में से था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ अपनी जेब से दे दिया। पिछला आपका जो पैसा जमा है उसमें से ही कुछ पैसा निकाल दिया और आपको विश्वास में ले लिया कि अरे आपको लगेगा अब तो पेमेंट आ ही रही है, ये भी आ जाएगी और लगा दो। तो यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है, ये वेबसाइट फेक है, ये डोमेन फेक है, ये ट्रिप एडवाइज़र का नाम इस्तेमाल करके ये आपको ठग रहे हैं। आज ट्रिप एडवाइज़र के बारे में अवेयरनेस फैलेगी तो कल ये गोआईबीबो का नाम यूज़ करने लगेंगे, परसों ये मेक माई ट्रिप का नाम यूज़ करने लगेंगे। आपको सिर्फ तरीके पे ध्यान देना है। तरीका क्या है? तरीका ये है, मोडस ऑपरेंडी ये है कि आपको टेलीग्राम पर ले जाया जाता है, आपको अलग अलग टास्क खिलाए जाते हैं और टास्क के नाम पर आपको कुछ पैसे स्टार्टिंग में, कुछ आपको कमीशन स्टार्टिंग में पे कर दिया जाता है, आपको विश्वास में लिया जाता है और उसके बाद आपको एक प्रीपेड टास्क की तरफ ढकेला जाता है। जैसे आप उनके झमेले में पड़ते हैं आपको उस ग्रुप से हटा दिया जाता है या फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो समझो, दिमाग लगाओ, ये जितनी URLs हैं ये सब फेक हैं, मैं 50 बार बता चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से स्कैमर स्कैम कर रहे हैं जिनके बारे में मैं समय समय पर आपको अपने चैनल पर बताता रहता हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। सतर्क रहना ही, सावधान रहना ही
इस समस्या का उपाय है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर कीजिए। मेरा वीडियो नहीं शेयर करना कोई बात नहीं, अपना एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अपना एक कमेंट फेसबुक पर जाकर डालिए कि इस तरह का स्कैम चल रहा है। स्क्रीनशॉट किसी का भी उठा लीजिए, मेरे से ले लीजिए 10 स्क्रीनशॉट, मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप वहाँ ले जाकर के यूज़ कीजिए। बताइए लोगों को, अवेयर कीजिए कि इस स्कैम में नहीं पड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा स्कैम समझ में आ चुका होगा और आप इस स्कैम में नहीं फंसेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।